सॉरी। आई जस्ट कॉल यू बैक। आप अंधी हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता? करम फुटिया बा, मॉल में कोई खाते हुए घूमता है क्या? अरे देखा तो नहीं। ओहो गुज्जू छी, आई शुड हैव नोन। तुम गुजराती लोग जहाँ भी जाते हो पता चल ही जाता है, ये ढोकला फाफड़ा और खाखरा लेकर घूमते रहते हो। यू गुज्जूज आर रियली बंच ऑफ जोकर्स। गुज्जू जी, सही कहा तूने कि हम गुज्जू जहाँ भी जाते पहचाने जाते, क्योंकि हम गुज्जू लाखों में करोड़ों में एक हैं। हमें तो इतना भाईचारा है कि हम सबको भाई और बहन कहकर बुलाते, किसी को जोकर नहीं कहते। हम तो अपने हर खाने में गुड़िया शक्कर मिलाते हैं ताकि दिमाग तेज रहे, पर जुबान पर हमेशा मिठास है। बात करे जी, और तू जो इतनी स्वतंत्रता से तरता तरता बोल रही है ना, वो स्वतंत्रता दिलाने में भी सबसे बड़ा हाथ एक गुज्जू का ही था, मोहनदास करमचंद गांधी। वो तो सिर्फ धोती पहनते थे जिसमें एक भी जेब नहीं थी, पर उनके कर्म ऐसे थे कि आज भारत भर में जितनी भी जेबें हैं ना, सब में एक गांधी बापू है, वो भी गुज्जू। दुनिया में अमीरों के अमीर धीरूभाई अंबानी, वो भी एक गुज्जू ही थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कर लो दुनिया मुट्ठी में। और तू तो जहां भी जाएगी ना, गुज्जू तो तुझे मिलेंगे, चाहे लंदन हो या अमेरिका। और अगर उन्हें वहां से निकाला गया ना, तो उनका पूरा देश अपंग हो जाएगा, क्योंकि बस ड्राइवर से लेकर उनकी सरकार तक में गुज्जू है। जहां तक के जिन गोरे लोगों ने भारत देश पर राज किया था ना, आज उन्हीं के शहर में हमने अपना एक इलाका बसाया, वेमली। और वहां पे हम जलेबी फाफड़ा खाकरा पात्रा खांडवी सब बनाते हैं, और वही वो गोरे लोग बड़े चाव से खाते हैं जो हम उन्हें खिलाते हैं। ज्या ज्या वसे गुजराती त्या त्या सड़ा कार्ड गुजरात। जो खुद बोलना शुरू कर दे और बाकी सबकी बोलती बंद करते, वो है गुज्जू। गुज्जू का मतलब जानती हो? गुण के साथ जोश और जोम का समन्वय, मतलब गुज्जू। और मुझे गर्व है कि मैं एक गुज्जू हूं। गुजरात इस भारत देश का ही अंग है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावित उत्कल भंग। जब हमारे राष्ट्रीय गान में ही गुजरात है, तो तुम क्यों हम में और बाकी देशवासियों में भेदभाव कर रही हो? और हाँ, हर एक प्रांत और कौम की एक गरिमा होती है। आइंदा है ना, किसी गुजराती को गुज्जू, पंजाबी को पंजू और बंगाली को बोंग कहकर किसी कौम का अपमान मत कर। ऐसा करने से तेरा ही मान कम होगा। बात करे याद रखना।